अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है यार सबका? ठीक, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं आपको न्यू व्लॉग में। आज का क्वेश्चन इस तरह है कि हमने पिछले 2 सालों से छोटे आदि को बोला हुआ था कि हम उसके लिए एक पैरट लेंगे, तो यार यकीन करें मिलते ही नहीं है। मिले भी तो रेट इतने हाई रखी हुई हैं, चीज़ को इतना महंगा कर दिया है जितनी वो है नहीं। अभी हमें फतेहजंग से एक पैरट मिला है, ओएलएक्स मेरे दोस्त बने हैं ओसामा भाई, उन्होंने हमें ये बाय करके दिया कहीं से। तो अभी खुंडे आ चुका है वो पैरट और हमने वहाँ से ले के उजंड देना है जाके मामूलों घर। तो चलते हैं, अली भी आया हुआ है तो मौसम आज काफ़ी अच्छा है क्योंकि धूप वगैरह नहीं है, रात को बारिश हुई हल्की सी। तो निकलते हैं क्योंकि पार्सल हमारा निकल चुका है उधर से जंग से, वहाँ से खुंडे चौक तक आएगा। हम बाइक पे जाते हैं खुंडे चौक और अपना वो चकोर और पिंजरा उठाते हैं, जो कि हमने चकोर जिसमें लाए थे वो वापस करना है हम लोगों को। ये रहा जी वो चकोर वाला पिंजरा, ये भी वापस करना है इसी बहाने में, ये भी वापस हो जाएगा। तो चलते हैं और काफ़ी देर हो चुकी है क्योंकि वो जंग से निकली हुई, उनको काफ़ी टाइम हो चुका है तो हमने भी तेज़ जाना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी है। अभी समझ नहीं आ रही यार कि पिंजरा लेके जाएं साथ या नहीं, क्योंकि यार काफ़ी बड़ा पिंजरा है और यहाँ पे अगर लटकाएं आगे फिर भी नीचे लगेगा और पीछे भी नहीं रख सकते क्योंकि फिर उधर भी छोटा कार्टन होगा। तो देखते हैं क्या होता है फिर। यार हमें पार्सल मिल चुका है ये खुंडे चौक से, खुंडे चौक हम पहुंचे हैं, पार्सल में मिल चुका है और हम इस पिंजरे के अंदर डालते हैं। ये कह रहे हैं डालें पिंजरे के अंदर या नहीं, क्योंकि रास्ते पे ये सर ख़राब कर देगा मार मार के पिंजरे के साथ, तो इसमें ठीक है मैं कहता हूँ। अभी पहुंच चुके हैं यार जंड और देते हैं ये तोता अंदर ही घर में, क्योंकि आधी लोग तो चले गए सारे, ये पिंजरे के अंदर डाल के हम रख जाते हैं तो वापसी आए, वापसी भी घर आएगा तो खुश हो जाएगा। अंदर रख दिए, इस पिंजरे के अंदर डाल दिए, बिल्कुल बच्चा है अभी, छोटा सा बच्चा है अभी। ये स्टेरियन पड़ी हुई है, ये चकोर, ऐसे चकोर मैंने लाए थे जिनके पास 4 थे, मैं लाया था लेकिन मर चुके थे मेरे पास। A few moments later. तो अभी हमने दिन का खाना खाया है, हमारा प्रोग्राम था कि हम शाम को जाएंगे जलसे पे, क्योंकि वहीं से वापस आए तो इसका कज़न कहता है कि आज जलसा है नाड़ा गाँव, तो उससे पहले शेरी कार आ गई है, वो कहता है कि डिग्यू पे जाते हैं नहाते हैं, तो अभी तैयार हो चुके हैं तो मैंने बस शर्ट ट्राउज़र पहने और निकलते हैं फिर नहाने के लिए। खाना वगैरह खा लिया, अभी टाइम हो गया 1 का 3 बजे तक वहाँ से वापस आएँगे, उसके बाद हम नाड़े जाएँगे तो चलते हैं फिर डिग्यू पे। तो अभी हम डिग्यू पे पहुंच चुके हैं यार, सारे ही हैं अरुण भाई मोहसिन और अनिया, अनी साहब आ गए हैं तो पानी का खराब हुआ यार, हमारा गुजार हो जाएगा। यार हम नहा चुके हैं, अभी हम नहा चुके बहुत ज़्यादा है लेकिन रश बहुत ज़्यादा हो गया। अभी हम सारे जा रहे हैं यार घर क्योंकि सारे नहा चुके हैं और जाएंगे उसके बाद नाड़े। क्यों अली साहब यार डिग्यू से नहा के हम आ चुके थे, चाय लगा हुआ है, ये कहता है कि मैं अभी साइकिल चलाऊंगा उधर तक तो उसके बाद हम नाड़े। मैं था यहाँ पे यार, गल सुन ई तू मां चाह दे दो पैसे जा गए। तो अभी हम चलते हैं यार किधर जी, अभी हम चलते हैं नाड़ा उधर है किधर जी, बैलोगल जिल से बैलों की दौड़ है उधर चलते हैं, हाँ तमाशे पे जाते हैं तो लोग सुन उसके बाद आपको मिलते हैं उधर जाके। तो अभी हम पहुंच चुके हैं यार, ठीक है वहाँ अभी हम पहुंच चुके, चुप है, अभी हम पहुंच चुके हैं यार इधर तो सुन और जा रहे हैं लोग बैल वगैरह छोटे छोटे लेके पर जिससे भी छोटा सा शोर बैल है देखिए, इतनी आराम नहीं हुई अरे जी भाई साहब हमारे दमेल की आवाम आई हुई है, दमेल की आवाम आई हुई है, वैस भाई बैल लेके आई है। अरे सुनाओ ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, जा रहे हो ना आप भी जाने पते चंडी खड़ो ना 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 ना
कैसा महसूस कर रहे हैं ये सब यहाँ के? बहुत अच्छा। तो यार बहुत ही ज़बरदस्त मौसम है, चेक करें यार। ओए होए होए, बैल जा रहे हैं जी। शुक्र मेरा सही है, यहाँ से दौड़ते खाने पीने का सिस्टम यहाँ नहीं है। चेक करें जी, ये आए हो दलेरा, आए होए, आए होए, मैं इधर शेरा, मैं बैठ रहा हूँ। भाई साहब ठीक है, मैं तुम्हारे दे आता हूँ। जलसे से फ्री होके भी आया रास्ते पे। ये पुराना कुआं है, यहाँ से हम पानी पीने लगे हैं। पुराने ज़माने का ये कुआं है। पल्ले जी पल्ले shit.